हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट बर्गर। बच्चों को बर्गर बहुत पसंद होता है, पर कभी कभी घर में बर्गर का सामान नहीं होता, बट ब्रेड तो घर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो चलिए आइए कुछ घर के सामानों से बनाते हैं हम बर्गर, जो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी हो। हमें चाहिए 4 ब्रेड, सम वेजीज, कॉर्न, कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियंस, 2 उबले हुए आलू, मेयोनीज और केचप और ग्रीन चिली सॉस। सबसे पहले हम पोटैटोज़ को मैश कर लेंगे। उसको अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें कॉर्न, कैप्सिकम और ऑनियन मिला देंगे। देखिए, मैंने इसमें सारी वेजीज डाल दी है। अब हम इसमें 2 चम्मच अरारोट पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप मैदा और बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एज पर टेस्ट नमक डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे। अरारोट पाउडर सिर्फ इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि आलू अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम अपने हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इनको टिक्की की शेप दे देंगे। अब हम एक कटोरी की मदद से अपनी ब्रेड को गोल शेप में काट लेंगे। देखिए, मैंने काट लिया है। अब मैं पैन पर ऑयल डालूंगी और अपनी सारी टिक्कियाँ इसमें डाल दूंगी। मैं इनको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और मैं इनको अच्छे से चलाती रहूंगी। हम इनको दबा दबा कर सेक लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, ये रेडी हो गई है। अब मैं इस बचे हुए ऑयल में ही अपनी ब्रेड स्लाइस को सेक लूँगी। इनको भी मैं गोल्डन कर लूँगी। देखिए, मैंने ब्रेड भी सेक ली है और अब मेरा ब्रेड और टिक्की सब रेडी है। अब हम मेयोनीज और टोमेटो केचप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा बर्गर का सॉस भी रेडी हो गया है। अब मैं केचप को इसमें अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं इस पर अपना टिक्की रख दूंगी। अब उसके बाद मैं इस पे वेजीज़ भी रख दूँगी। चाहे तो आप इसमें चीज़ भी रख सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को चीज़ तो बहुत पसंद है। देखिए, मैंने ऑनियन रख दिया है, टमाटो रख दूँगी और मैं एक साइड पे ग्रीन चिली सॉस लगाऊँगी। और अब मेरा बर्गर रेडी है। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बर्गर भी रेडी कर लूँगी। मेरे दोनों बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप अपने बच्चों को ये खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको बर्गर कैसा लगा। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है।